Good morning everyone, welcome back to my channel Traveltron. Hope you guys are doing absolutely fine. So I am back with another episode of Leh Ladakh journey. आइए चले आगे बात करते हैं चंडीगढ़ से मनाली तक के रोड की. तो ये है 321 किलोमीटर का रास्ता जिसके लिए लगते हैं गूगल मैप के हिसाब से 10 से 12 घंटे और हमने ये जर्नी की थी 12 घंटे में. सुबह हम लोग निकले थे 7:30 बजे और मनाली में पहुंचे करीब 8 बजे. चंडीगढ़ से मनाली का जो रास्ता है इसके लिए आपको बहुत फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं है. अगर आपको चंडीगढ़ से मनाली जाना है तो इसके लिए है दो रास्ते, एक है ख़राब वाला रास्ता और एक है अच्छा वाला रास्ता. सो गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग एंड वी लेफ्ट फ्रॉम द होटल एट 7:45 इन द मॉर्निंग. सो वेदर काफ़ी अच्छा है, प्लीजेंट है मॉर्निंग में. सुबह सुबह इतनी गर्मी नहीं हो रही है चंडीगढ़ में. सो हम लोग अभी निकल रहे हैं रूपनगर की तरफ से जो कि एक तो लॉन्ग कट है लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है. जैसे कल रात में बैठ के पढ़ रहा था, काफ़ी जगह पे ब्लॉग में लिखा हुआ है वो जो दूसरा रास्ता है नालागढ़ की तरफ वाला वो उतना अच्छा नहीं है और बहुत सारे पॉट होल्स है वो रोड में. तो बहुत वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड किया था कि रूपनगर की तरफ से जाना है और बाइक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. कल से मैं चला रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये बाइक अच्छी चलती है यार. चलो गाइस मिलते थोड़ी देर में. ओके बाबू, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है. आई थिंक यहाँ नया अभी डेवलपमेंट चल रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज न्यू चंडीगढ़. यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना है ना, ये बाजू लेफ्ट में नहीं सीधा जाना है क्या? ओके चलो चलते हैं स्ट्रेट. सो वी हैव डन 30 किलोमीटर आउट ऑफ चंडीगढ़. हम लोग एक खरार के आगे और ये क्या दिख रहे हैं, रूपनगर 15 किलोमीटर, आनंदपुर साहिब 50 किलोमीटर. अपने ये किरतपुर साहिब से कितना, 10 किलोमीटर पीछे है ना. ओके
तो हमें किरतपुर साहिब तक जाना है, वहाँ से राइट लेना है मनाली के लिए। माँ कसम क्या रोड है, ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। ये ऐसे रोड अपने इधर क्यों नहीं है, कितना मज़ा आता है यार। यहाँ पे सब तो ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है। सो टिल नाउ वी हैव डन 40 किलोमीटर आउट ऑफ चंडीगढ़। बाबू ये देखो, कुछ याद आ रहा है? आयन ब्रिज। ये आ गया ना मैं। हाँ, वो तो आ गया है, बट ट्रक देखो ना, देखो अभी कितना पास से जाते हैं वो। हाँ, पास से जाते हैं। ये देखो। हाँ, अच्छा है, मुझे पता है फोटो अच्छा आएगा, बट ट्रक बहुत पास से आ गया ना। चल। कैमरा रखूँगी मैं हाथ में। हाँ चलेगा, रख। I'm gonna go to the hospital.
So we have done 226 किलोमीटर फ्रॉम आवर होटल. यहाँ से अभी कुल्लू है 50 किलोमीटर और उसके बाद मनाली 40 किलोमीटर. सो टोटल 90 किलोमीटर इज अवे फ्रॉम मनाली. मामू चेकिंग चालू है वाटता. फिलहाल हम लोग है इधर पैंडो में, पैंडो करके एक जगह है. अभी यहाँ से लेफ्ट में कुल्लू मनाली और फिर ले लेफ्ट लेना है यहाँ से ब्रिज से. रुक के फोटो खींचेंगे ना बाबू यहाँ पे. हाँ वहाँ पे लिखा था क्या बोर्ड पे कि यहाँ पे रुक के फोटो खींच नहीं सकते? अच्छा वहाँ पे कुछ दिख रहा है ना. अच्छा ब्रिज तो हिल रहा है. वहाँ पे कुछ तो है फोटो खींचने के लिए. सो गाइस वहाँ पे कुछ डैम कुछ है जहाँ पे साफ पानी और गंदा पानी मिक्स हो रहा है. तो वी आर गेटिंग देयर, विल बी देयर. वहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं. चलो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है. देखो कुछ थर्मल पावर स्टेशन लिख रहा है. तो आई थिंक यहाँ पे ना कुछ थर्मल पावर स्टेशन है. दिख भी वैसे ही रहा है. थोड़ा आगे रुकते हैं है ना, अच्छी जगह देख के फोटो के लिए स्पॉट देख के. कितना बड़ा है रे ये तो कुछ. अरे बाप रे कितना अच्छा दिख रहा है. रुकते हैं, धीरे धीरे जाना, ज़्यादा आगे मत जाना.
So we have done 275 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़, और अभी तक तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कब एक बार फाइनल डेस्टिनेशन आ जाए ऐसे लग रहा है। लेकिन आप नज़ारा देख सकते हैं, नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये देखो साइड से रिवर जा रही है और हम उसके बगल वाली रोड से जा रहे हैं। हालत का बहुत ख़राब है। माझ्या याच्यात ठेवले टँक बॅग मध्ये, तुझा ओके। तो गाइस, जैसे ही हम लोग कुल्लू में पहुंचे तो बड़ी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी तेज़ है बारिश और थोड़ी ठंडी भी लग रही है। काफ़ी प्लीजेंट है एनवायरनमेंट, ठीक है, और बीच में थोड़ी ट्रैफिक भी लग गई थी, बट दैट्स ओके। और ये देखो कुछ राइडर्स, ऐसी राइड का तो सबसे बड़ा मज़ा यही होता है कि हर बाइक राइडर दूसरे राइडर को चीयर अप करता है जाते वक्त, ये सबसे अच्छी बात है। आई होप मनाली ज़्यादा दूर नहीं है। सो वी हैव डन 290 किलोमीटर एज ऑफ नाउ फ्रॉम चंडीगढ़, और अभी मनाली से बचा हुआ है 35 किलोमीटर। बस जल्दी पहुंचवा दे, है ना। चलो, सी यू गाइस। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की बात करते हैं, जब भी आप किसी जर्नी के लिए निकल रहे हो तो मेक श्योर आपके गूगल मैप में आपका टाइमलाइन ऑन हो, आपकी लोकेशन हिस्ट्री ऑन हो, सो दैट यू कैन ट्रैक योर जर्नी। आप कभी भी आगे जाके आप प्रीवियस आपकी जो भी जर्नी रही है वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल मैप में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैप में जाने के बाद आपको जाना है मेनू में, मेनू में जाने के बाद योर टाइमलाइन, ठीक है। तो इसमें जाके आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग में जाने के बाद आपको करना है लोकेशन ऑन। सी कैन यू सी इट, एक्सेस टू माय लोकेशन ऑन किया हुआ है और एक्यूरेसी हाई रखी है। उसके बाद आपको करना है आपके मोबाइल का जो भी यूज़ लोकेशन हिस्ट्री, जो भी आपका ऑप्शन है उसको करना है ऑन, और उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन मैनेज टाइमलाइन। मैनेज टाइमलाइन में जाके आप अगर प्रीवियस डे कोई भी डे जाके सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 19th of June, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आवर की जर्नी की है और मैंने कौन सा रूट था, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़ रूपनगर की तरफ से बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, और उसके बाद कुल्लू और फिर मनाली। ऐसे यहाँ पे एक टाइम दिखा देगा कि 7:44 यू लेफ्ट फ्रॉम द होटल, और फिर आप कहाँ कहाँ गए थे, आपने किस होटल में खाना खाया था वो दिखा देगा यहाँ पे, और बीच में कहीं अगर आप रुक के कोई फ़ोटो खींच रहे हो आपके मोबाइल से तो वो भी ऑन, और वो भी वहाँ पे दिख जाएगा टाइमलाइन में।
और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि होटल राइजिंग स्टार एट 7:55 PM इन द इवनिंग। इस तरह से आपको आपके पूरे टाइमलाइन मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपने कौन से दिन कौन सा रूट लिया था और कितना टाइम लगा था उस पूरी जर्नी के लिए, वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मनाली तक पहुँचने के लिए हमें लग गए थे 12 घंटे। तो क्या होता है कि दिल्ली से हम निकलते हैं चंडीगढ़ तक, रूपनगर तक काफ़ी अच्छा रोड है, 4-लेन हाईवे है जिसपे हम बाइक भगाते हैं। जैसे ही आप रूपनगर के आगे जाओगे तो आपको बहुत सारा किलोमीटर तक आपको सिंगल लेन रोड है, आगे चल के बहुत सारा जो सेक्शन है वो सारा घाट सेक्शन है। और जहाँ पे घाट में क्या होता है कि सामने से बहुत सारी ट्रक आ रही होती है और हमें जहाँ पे दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाने के लिए, अगर हम सिंगल पर्सन होता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, जब पिलियन होता है साथ में तो थोड़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और फिर बाद में कुल्लू में पहुँचने के बाद बारिश शुरू हो गई थी अचानक से, तो उस वजह से भी हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा था। फिर उसके बाद हमने रेनकोट पहन लिए और फिर हम लोग आगे मनाली तक निकल गए। तो जैसे ही हम लोग मनाली पहुंचने वाले थे तब पीक टाइम आ गया था, 7 बज चुके थे। तो 7 बजने के बाद मनाली में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रैफिक शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग उसी टाइम पर रीच होते हैं मनाली में। जैसे ही आप मनाली में एंटर करोगे तो आपको एक बैरियर में रोक दिया जाएगा जहाँ पर आपको पे करना है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स क्या होता है कि मनाली का जो भी एनवायरमेंटल फ़ी है वो आपको पे करना पड़ता है। बाइक के लिए है 100 रुपीज़ और जो भी छोटी फोर व्हीलर है उनके लिए है 200 रुपीज़। तो ग्रीन टैक्स आपको भरना पड़ता है और जैसे ही आप ग्रीन टैक्स भर के आगे मनाली में एंटर करोगे तो पूरा ट्रैफिक लगेगा। मनाली में होटल में पहुँचने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर हमने रेस्ट की। नेक्स्ट डे उठ के हम लोग मनाली एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जिसमें से हमने देखा हडिम्बा टेम्पल। सेम डे पे हमें हमारे बाइक का सर्विसिंग भी करवाना था, तो वी डिसाइडेड टू विजिट रॉयल एनफील्ड शोरूम एंड सर्विस सेंटर। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। टू ऑल न्यू पीपल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम आवर चैनल। और अगर आप इस जर्नी की सारी फोटोज़ देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे ट्रैवल ट्रॉन एंड रिफ्लेक्शंस बाय प्राजक्ता।